हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम यहां पर इस वीडियो में एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए आपको तरीका बताने वाले। एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको सीखना है, इनको ट्रीटमेंट करनी है और आप अपनी एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है इनको स्लो डाउन कर सकते हो, आप अपनी उम्र को कम कर सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत ही इफेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। यह पॉइंट है स्टमक मेरिडियन का 36 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यहाँ पर इस पॉइंट का लोकेशन जानेंगे, किस तरीके से दबाना है, फिर मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके कैसे आप यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दे के आप अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो। तो पहले जान लेते हैं कि एजिंग प्रोसेस क्या होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में अलग अलग चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, हमारे मसल्स वीक पड़ जाते हैं, हमारी हड्डियां वीक पड़ना शुरू हो जाती है, हमारी आंखों की रोशनी कम होती है, हमारे कानों की सुनने की जो क्षमता होती है वह धीमी पड़ना शुरू हो जाती है, हमारी स्किन में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो ऑर्गन होते हैं इनका फंक्शन पुअर हो जाता है, हमारी पाचन शक्ति होती है वह भी कम पड़ जाती है। तो यह सभी प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए आपको मैं यह पॉइंट आज सिखा रहा हूं। तो फिर जान लेते हैं यह पॉइंट के बारे में पूरा डिटेल में विवरण। यहां पर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह इस जगह पर मिलता है। जान लेते हैं किस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट करना है। यह पॉइंट हमारी जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर का जो यह फर्स्ट जोड़ है, यह फर्स्ट जोड़ का जो अंदर का एंड है यानी के इंडेक्स फिंगर साइड के जो एंड है वह एंड से थोड़ा सा ऊपर की साइड, यहाँ पर हमें हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। फिर से जान लेते हमारी मिडल फिंगर, मिडल फिंगर का जो फर्स्ट जोड़ है, यह फर्स्ट जोड़ का जो अंदर का एंड है यानी के इंडेक्स फिंगर साइड का जो एंड है वह एंड से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर हमें हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। तो यह पॉइंट को पहले हमें 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। 2 मिनट के लिए यहाँ पर एक्यूप्रेशर देना है। इनके लिए आपको इस तरीके का जो एक्यूप्रेशर टूल अवेलेबल है इनका इस्तेमाल करना है। 2 मिनट के लिए यह पॉइंट को एक्टिवेट कर लेने के बाद यहाँ पर आप मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके इस पॉइंट को ट्रीटमेंट दीजिए तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैग्नेट थेरापी के लिए मैं इस तरीके का स्मॉल मैग्नेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह मैग्नेट को ब्योल मैग्नेट बोला जाता है। यह मैग्नेट की खासियत यह है कि इनकी सरफेस इस तरीके से येलो होती है और एक सरफेस इस तरीके से वाइट होती है। अगर वाइट सरफेस हमारा जो पॉइंट है इनके कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी कम होती है, और अगर येलो सरफेस हमारे पॉइंट के कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी बढ़ती है। हमें यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है इनकी एनर्जी बढ़ानी है यानी कि मैग्नेट की जो येलो सरफेस है यह सरफेस को इस पॉइंट के कॉन्टेक्ट में लाना है। जान लेते किस तरीके से मैग्नेट को लगाना है। आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है। यह पेपर टेप के ऊपर मैग्नेट को इस तरीके से लगाना है ताकि ऊपर से आपको येलो सरफेस दिखे और टेप के पीछे से आपको वाइट सरफेस दिखे। अभी यह मैग्नेट को हमारा जो पॉइंट है वह पॉइंट पर अच्छी तरीके से लगा देना है। इनके ऊपर आप दूसरी टेप भी लगा सकते हो ताकि यह मैग्नेट यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका हुआ रहे। यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आपकी यह ट्रीटमेंट हो जाती है। यह मैग्नेट को आप दिन में लगा सकते हो या तो फिर दिन में 6 से 8 घंटे या तो फिर रात को लगा दिए, सुबह इनको निकाल दीजिए। यह मैग्नेट बहुत ही सस्ता होता है, 1 या तो 2 रुपये में मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास यह मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आप इनकी जगह पर सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर हमारा पॉइंट स्मॉल साइज का है इसीलिए हमें स्मॉल साइज के जो सीड होते हैं इनका इस्तेमाल करना है। इनके लिए आप फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर जो मूंग के दाने होते इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर कोई स्मॉल साइज के दूसरे सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
यहाँ पर मैं मेथी दाने का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आधे ही चौड़ी पेपर टेप लेनी है, यह टेप के ऊपर थोड़े से मूंग के दाने इस तरीके से लगा देना है। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वहाँ पर यह टेप को अच्छी तरीके से चिपका देना है। इनके ऊपर भी आप दूसरी टेप लगा सकते हो। मैग्नेट की तरह ही यह सीट को भी आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो फिर रात को लगा दिए सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो। पर मैग्नेट की तरह सीट को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीट में हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है, जो कि हमारा डिसीज है उनको हील करने में यूटिलाइज हो जाती है। इसीलिए फिर यह सीड हमारे कोई काम के नहीं रहते, दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नया सीड लेना जरूरी पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए आपको एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन बताया, किस तरीके से यह पॉइंट को दबाना है, फिर मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके कैसे आप यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दे के एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो, उम्र को कम कर सकते हो, वह सब कुछ पूरी डिटेल में आपको सिखा दिया। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।